हेलो एवरीवन, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बार बार पूछ रहे थे कि क्या मैम इस साल से पीएचडी कंपलसरी कर दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखो, जो नोटिस 2020 यानी कि जो पॉलिसीज़ आई थी उसमें लिखा हुआ था, उसका जो ये जो इसमें इंफॉर्मेशन डाली हुई थी उसी को हम आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहे, ताकि आपको मतलब भी जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो वैलिड होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आपको कह दे। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग आपको 2020 में पीएचडी क्या कर दी गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी कर दी गई थी कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2021 में पीएचडी कंपलसरी होनी चाहिए। बट इसमें क्या हो गया है, जो कॉलेज हैं वहाँ पर तो आपका नेट का भी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पास आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपका नेट होना सफिशिएंट है, पीएचडी होनी कंपलसरी नहीं है। बट अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होनी चाहिए, पीएचडी की डिग्री होना कंपलसरी होगा। बट कोरोना वायरस की वजह से ना तो हमारा दो बार आपकी बार नेट का एग्ज़ाम हो पाया है, और शायद इस साल भी अपने टाइम पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक जो इनके आंकड़े सामने आ रहे हैं बहुत सारे, अभी भी ये बीमारी से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जूझ रहे हैं। तो देखो, उनके चलते इस ईयर्स मैंडेटरी नहीं हो पाएगी। और रही पीएचडी की बात, तो देखो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़, ये इंडिया है, इसमें अगर आप ये बोल देते हो कि 20 में अप्लाई होगी तो 100% श्योरिटी नहीं है कि वो 20 में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस साल से कंपलसरी अभी तक तो हुई नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई नोटिस आया है और शायद होगी भी नहीं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे अपने नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर जब भी पीएचडी के लिए फॉर्म निकलते हैं तो आप अप्लाई कर देना, क्योंकि कोई भी अगर आप ज़रूरी नहीं इस साल नहीं होगी तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगी। तो कोई भी डिग्री आपके लिए कभी वेस्टेज नहीं जाती है, वो बेनिफिशियल ही रहती है। आगे अगर आपको जॉब भी मिल जाती है तभी प्रमोशन में भी आपकी वो हेल्प करेगी। लेकिन रही ये बात कि इसके बगैर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बन पाओगे, तो ये गलत है। आप अभी तक इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई और बात जो आपके माइंड में चल रही है तो आप अपना साइट से आप क्या कर सकते हो, उस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो, उस पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।